हूँ आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन ऑक्टोपस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बात किया था डोबेरियन ट्राइड के बारे में बात किया था, और इस ये वीडियो के बाद न्यूलैंड ऑक्टोपस के बाद हम डिस्कस करेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे हम न्यूलैंड ऑक्टोपस बोलते हैं, उन्होंने कैसे एलिमेंट को क्लासीफाई किया था उस समय जब कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज किया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम न्यूलैंड ऑक्टोपस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला चीज है न्यूलैंड क्लासीफाई। ओके, यहां पे आप देखिए, ठीक है, न्यूलैंड क्लासीफाई द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के थ्रू एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश किया इन ए ग्रुप ऑफ एट एलिमेंट्स। और एक ग्रुप में कितना कितना एलिमेंट था, एट एट एलिमेंट का ग्रुप बनाया और उन्होंने क्लासीफाई करने की कोशिश किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एंड वो एट एट ग्रुप था, इसलिए उनका नाम हो गया ऑक्टेप्स। ओके, क्या हो गया, इसलिए न्यूलैंड ऑक्टेप्स नाम दिया गया, बिकॉज इन ईच ग्रुप इट कंटेन एट एलिमेंट्स, सो इट इज कॉल्ड द न्यूलैंड ऑक्टेप्स। ओके, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, ही फाउंड दैट व्हेन द एलिमेंट्स, ओके, ही फाउंड इट व्हेन द एलिमेंट्स वेर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इनटू ऑक्टेप्स, देन देयर वाज सिमिलरिटी ऑफ प्रॉपर्टी इन एवरी एट एलिमेंट। तो क्या हुआ, जैसे वो अरेंज कर रहे थे वन से लेके एट तक एक ग्रुप में, तो क्या मिल रहा था उनको, जो पहला एलिमेंट है और एट नंबर वाला जो एलिमेंट है एथ एलिमेंट, तो दोनों में प्रॉपर्टी क्या हो रहा था, सिमिलर हो रहा था। दैट मीन्स आप कहीं से भी स्टार्ट करते और वहां जाके प्रॉपर्टी सेम होता, दैट मीन्स वन से स्टार्ट करते तो एट नंबर में जाके वन और एट का प्रॉपर्टी जो है सेम हो जाता, मतलब एक नंबर वाला एलिमेंट एंड एट नंबर वाला एलिमेंट जो है प्रॉपर्टी सेम हो जाता, ठीक है। अब उनके टेबल को देखने की कोशिश करेंगे, यहां पे उनका टेबल, अगर हम टेबल का बात करते हैं तो इस टाइप का टेबल था उनका। ओके, तो म्यूजिकल नोट में था उनका टेबल, किस में था, म्यूजिकल नोट में। जैसे हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल के बारे में सुनते हैं तो क्या है, सारे गामा पाधा निसा, तो उन्होंने क्या किया था, इसी रेंज पे किया था, सारे गामा पाधा निसा वाला टाइप का टेबल था उनका। तो अब क्या किया उन्होंने, अब यहां पे देखिए ये ग्रुप है, ओके, ये जो है ये ग्रुप है, इसको हम एक ग्रुप बोलेंगे, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इस टाइप से ग्रुप था। तो उन्होंने अरेंज किया पहले एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप से उन्होंने अरेंज किया। और अगर हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, सपोज हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं आप काउंटिंग, और आपको काउंट करते करते एट काउंट करना है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हाइड्रोजन 1 हो गया, लिथियम 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स फ्लोरिन में जाके, इसका मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरिन का जो है प्रॉपर्टी सेम है, इस टाइप का उनको मिला। अगर आप लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम 1 हो गया, ओके, अगर आप लिथियम से स्टार्ट करते हैं इस टेबल में लिथियम से, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो सोडियम के साथ में आके 8 होता है, दैट मीन्स उनको क्या मिला, एवरी एट एलिमेंट्स हैज सिमिलर प्रॉपर्टी विथ फर्स्ट एलिमेंट, जहां से हम स्टार्ट करेंगे उसके एट एलिमेंट हम अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी सेम होगा। अगर हम यहाँ पे बोरोन से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप बोरोन से स्टार्ट करते हो, बोरोन से, तो ए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ओके, तो बोरोन के साथ में स्टार्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम के साथ में उसका क्या होगा, प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। तो इस टाइप का उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से था, ही क्लासिफाई द एलिमेंट इनटू द ग्रुप ऑफ एट एलिमेंट, तो एक एक ग्रुप में जो था उन्होंने एट एलिमेंट्स करके रखा ग्रुप में, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ऑक्टेप्स, उनको ऑक्टेप्स बोला गया। तो ये तो था उनके बाद में, और एवरी फर्स्ट एलिमेंट एंड एट्थ एलिमेंट दे हैज सेम प्रॉपर्टीज, तो सेम प्रॉपर्टी भी था उनका। और पहला जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या है, ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो इतना बात था। अब इनके जो क्लासिफिकेशन था इसमें क्या डिफेक्ट आया उसको हम देखेंगे, उनके क्लासिफिकेशन में बहुत सारा डिफेक्ट था, क्या डिफेक्ट था, द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज, ओके, इनके क्लासिफिकेशन में क्या डिफेक्ट था, आपने अभी टेबल अच्छा से देखा होगा, तो क्लासिफिकेशन में क्या डिफेक्ट था आप टेबल में फिर से भी देख सकते हैं, ऑल द नॉन एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स डिस्कवर लेटर कुड नॉट बी करेक्टली अरेंज इनटू ऑक्टेप्स। तो क्या हुआ, उस समय जितना भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उस समय जब ये क्या है न्यूलैंड जो काम कर रहे थे, उस समय जितना भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और उसके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए, सारा एलिमेंट को वो करेक्टली अरेंज नहीं कर पाए ऑक्टेप्स में, कुछ कुछ एलिमेंट छूट गया। इसका मतलब ही वॉज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर प्लेस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट डिस्कवर एट दैट टाइम। तो उस समय जो डिस्कवर हुआ था उसको भी दे नहीं पाए, और बाद में जो डिस्कवर हुआ उसको भी करेक्ट प्लेस नहीं दे पाए, ठीक है, ये था पहला। तो दूसरा डिफेक्ट क्या था, सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, ओके, यहाँ पे देखिए सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, कुछ कुछ एलिमेंट था जिनका प्रॉपर्टी डिफरेंट था, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वेयर प्लेस इन द सेम रोज लाइक कोबाल्ट एंड निकल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर प्लेस इन फ्लोरिन क्लोरिन
ब्रोमीन। ओके, तो क्या हुआ, ये कोबाल्ट एंड निकल का जो है प्रॉपर्टी अलग होता है किससे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से। लेकिन उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट निकल को भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ में एक ही ग्रुप में रख दिया। अगर आप ग्रुप वन का जो था पहला वाला उसको चेक करेंगे तो आपको ये सारा वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का था उनका क्लासिफिकेशन। कोबाल्ट और निकल आपको पहला वाला ग्रुप में आपको वहाँ टेबल में मिल जाएगा, अभी टेबल में आप देख सकते हैं उसको। तो इस टाइप का क्लासिफिकेशन किया था, ये भी क्या हुआ, अलग अलग प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट को एक साथ में कंबाइन कर दिया, ये भी गलत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट किया था, आयरन हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू कोबाल्ट एंड निकल। ओके, अब आयरन का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है कॉपर और निकल के, नियर अबाउट सिमिलर होता है, लेकिन इसको क्या किया, कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर ले जाके उनको रख दिया। ओके, तो टेबल में आप उसको देख सकते हैं, तो मैं टेबल में उसको दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे टेबल पे देखिए, इस टेबल पे देखिए जो है ये कोबाल्ट और निकल को क्या किया था, किसके साथ में रख दिया, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में रख दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया देखिए। लेकिन ये कोबाल्ट और निकल का जो प्रॉपर्टी है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ में नहीं मैच करता है। कोबाल्ट और निकल का प्रॉपर्टी किसके साथ में मिलता है, आयरन के साथ में। अब देखिए आयरन को कहाँ रख दिया, बहुत दूर में आयरन को रख दिया कोबाल्ट और निकल से। ऑल दीज आर द डिफेक्ट। तो ये सारा डिफेक्ट था इनके पीरियोडिक टेबल में। तो अब आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया, उनका पीरियोडिक टेबल क्या था और उनका डिफेक्ट क्या था, ये सारा हमने यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।